चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी फॉर विच 5 माइक्रोफेरेड कैप्सूल हैज अ रिएक्टेंस 1/1000 ओम इज गिवन बाय। देखो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 1/C ओमेगा होती है और ये वैल्यू 1/1000 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा C की वैल्यू क्या दिया है, C की वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 माइक्रोफेरेड को क्या ले सकते हैं, फेरेड में 10^5 × 10⁻⁶ फेरेड कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, और XC की वैल्यू ऑलरेडी 1/1000 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू जब पुट किया और यहाँ पुट किया C × 2π𝜈 इज इक्वल टू 1/1000। अब फ्रीक्वेंसी को जो है थोड़ा सा सॉल्व किया, फ्रीक्वेंसी को उधर ले गए, मान लो न्यू इज इक्वल टू 1000 / C × 2π, ये होगा करेक्ट 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी 5 × 10⁻⁶ × 2 × π, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अगर थोड़ा सा सॉल्व करो, ये 10⁻³ हुआ, ये 10⁻⁶ ऊपर गया, प्लस 6 होगा, नीचे क्या होगा, ये नीचे 10 होगा पाई, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, 10⁻⁹ / 10π या 10⁸ / π, ये हो गया फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 10⁸ / π। अब 10⁸ ध्यान से सुनो, ये हर्ट्स में आया, तो हमको आंसर चाहिए, देखो या मेगा हर्ट्स है, हर्ट्स है, तो ये वैल्यू 10⁸ वैल्यू हर्ट्स में नहीं आ रही है, कोई भी ऑप्शन हर्ट्स में नहीं है, देखो पाई तो नीचे है लेकिन हर्ट्स नहीं है इसमें, तो अब इसमें क्या ये मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, 1 MHz इज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्स, ये होगा 10⁶ हर्ट्स, या 1 Hz इज इक्वल टू 10⁻⁶ MHz होगा, करेक्ट है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं 10⁸ / π × 1 Hz, तो 1 Hz की जगह क्या लिखें, 10⁸ / π × 10⁻⁶ MHz, ये आएगा फाइनली कितना, 10⁻+2 Hz डिवाइडेड बाई पाई, 10 MHz हो गया। अब यही फ्रीक्वेंसी हो गई 100 / π MHz की, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,